नमस्कार जी, हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूँ दिव्या तिवारी और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अयोध्या का, जहां सीएम योगी पहुंच चुके हैं। तो लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो यहां फैजाबाद अयोध्या डिवीजन में विकास कार्य की समीक्षा के साथ साथ महंत नित्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। तो जो स्थानीय नेता हैं वो वहां उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो यहां जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उसमें शामिल होंगे। रामलला के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी, राम की पैड़ी और सरयू नदी भी जाने का उनका कार्यक्रम है। तो सवाल यही है कि क्या राम मंदिर के निर्माण के लिए एक्टिव हो गई है योगी सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए दो महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है। लगातार एक के बाद एक एक्टिव एक्शंस लिए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से, और आज इसी कड़ी में अयोध्या का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जो स्थानीय नेता हैं वो वहां उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और यहीं से उसके बाद उनका आगे का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो काफी उत्साह यहाँ देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में। और इस वक्त हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, क्या जानकारी है आपके पास, कौन कौन से नेता वहाँ पर दिख रहे हैं, योगी पहुँच चुके हैं? देखिए, योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से चंद मिनटों में ही यहाँ पहुंचने वाले हैं हनुमान गढ़ी पर, क्योंकि यहाँ पर जो महंत धर्मदास है वो उनकी अगवानी के लिए मंदिर के बाहर मौजूद है। विनय कटियार आ चुके हैं। इसके अलावा जो संत समाज है वो काफी उत्साहित है और तमाम जो संत हैं वो आए हुए हैं, खासतौर से चूंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं अयोध्या के दौरे पर, तो सभी लोगों में एक उत्साह है और लोगों को लग रहा है कि अयोध्या का विकास होगा जो पिछले 90-25 सालों से रुका हुआ है। तमाम सरकारें आई प्रदेश में लेकिन किसी ने अयोध्या की ओर ध्यान नहीं दिया। लोगों को ये लग रहा है कि अब ये एक टूरिज्म हब के रूप में उभरेगा, यहाँ पर भी लोगों को रोजगार मिलेगा और मंदिर की जिससे भी बात पूछे तो सबका यही कहना है कि अब केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, तो जरूर मंदिर निर्माण का जो रास्ता है वो प्रशस्त होगा। और हमने जो एक और पैरोकार है तो उनसे भी बात की महंत धर्म से, तो उनका साफ साफ कहना है कि मंदिर का तो निर्माण होके ही रहेगा और 2018 में पहले ही मंदिर बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला जरूर होगा जो दिमाग में होगा संतों के। और आज चूंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो हो सकता है उनके साथ डिस्कस हो कि कैसे यहाँ पर मंदिर बनाने का जो रास्ता है उसे। बिल्कुल अनुभव, और सीएम योगी के साथ साथ और कौन कौन वहाँ पर पहुंचेगा? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो भी आ रहे हैं और खासतौर से मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। जो विधायक हैं अयोध्या और फैजाबाद मंडल में जितने भी विधानसभा हैं उनके विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल वो लोग अगवानी के लिए जो हवाई पट्टी बनाई गई है वहां पहुंचे हुए हैं और वहां से सभी लोग सीधे अब हनुमानगढ़ी की ओर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अनुभव, और ये बात सही है कि 2017 के बाद अब अगला मिशन 2019 ही है और यही वजह है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कहीं भी छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है बीजेपी। यही वक्त है, इसी को देखते हुए लगातार दौरे भी किए जा रहे हैं वहाँ। देखिए बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती है, दो साल का वक्त है योगी सरकार के पास और 2019 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो जिस तरीके से बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर कह रहे हैं कि अब 80 सीटें जीतनी है, तो ऐसे में तो मंदिर निर्माण को लेकर अगर कुछ ठोस काम नहीं किया तो शायद मैसेज साफ नहीं जाएगा। और यही वजह है कि बार बार अब यही बात कही जा रही है कि मंदिर निर्माण की ओर विचार किया जा रहा है, गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कोशिश यही है कि 2019 से पहले जो है उसके कुछ ठोस ऐसा किया जा सके कि जिससे जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सके। जी बिल्कुल अनुभव, और मोदी सरकार ने अयोध्या का नाम उन 10 शहरों के लिए इसमें शामिल किया है जहां पर्यटकों को लुभाने की लगातार कोशिशें की जाती रही है। ऐसे में अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो वहां किस तरीके की और घोषणाएं की जा सकती हैं आज मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए, आज चूंकि वो अयोध्या और फैजाबाद मंडल की समीक्षा बैठक भी करेंगे, डेवलपमेंट का जो एजेंडा है उस पर अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग है और तकरीबन 2.5 घंटे तक ये बैठक चलेगी। तो सरकार ने जो 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है जो 10 शहरों के साथ अयोध्या भी जिस लिस्ट में शामिल है,
ऐसे में यही कहा जा रहा है। हम आपको बता रहे अपने दर्शकों को बता दें कि अब योगी आदित्यनाथ जो है वो उनका जो काफिला है वो फिलहाल पहुंच चुका है जी। चलिए शुक्रिया आपका अनुभव इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं यहाँ पर, वो रामलला के मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद राम की पैड़ी जाएंगे और उसके बाद उनका आगे का भी कार्यक्रम है। यहाँ कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। दो तस्वीरें लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ वो रामलला का दर्शन करेंगे। दरअसल लगातार बीजेपी ये जानती है कि राम मंदिर का दो मुद्दा है उनके लिए राजनीतिक ग्राफ को बढ़ाने के लिए एक कह सकते हैं कि सीढ़ी की तरह रहा है। यही वजह है कि किसी भी हालत में राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है बीजेपी, और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दो महीने के कार्यकाल को संभालने के बाद आज अयोध्या के दौरे पर हैं। तो तमाम स्थानीय नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का जो मुद्दा है वो लगातार चल रहा है और ऐसे में कोर्ट की तरफ से ये कहा जा चुका है कि आपसी सहमति से इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए। और सीएम योगी ने भी ये बात कही थी कि जितनी भी उनकी तरफ से कोशिश हो सकेगी और जितना भी प्रयास किया जा सकेगा वो उतना कोशिश करेंगे इस मसले को सुलझाने के लिए, और यही वजह है कि आज वो यहाँ साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा विकास की जो योजनाएं चल रही हैं उनको किस तरीके से पटरी पर लाया जाए, किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी खासा जोर रहने वाला है। तो कट्टर हिंदुवादी छवि के लिए पहचाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ साल 1992 में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो अयोध्या में रामलला मंदिर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या यहां पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो यहां रामलला के दर्शन करेंगे। तो अयोध्या विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और लगातार उसकी सुनवाई भी चल रही है। हिंदू संगठन जिसमें विश्व हिंदू संगठन यानी कि विहिप भी है और लगातार अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए दबाव डाल रहा है, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा राम मंदिर के मुद्दे को फिर से उभारता हुआ दिख रहा है। दरअसल 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी शायद यही चाहती है कि तब तक ये जो मामला है इसका निराकरण कैसे किया जाए इस पर जोर दे रही है। तो यूपी में सरकार बनने के बाद से ही केंद्र का अयोध्या पर ध्यान और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, और ऐसे में जनता की तरफ से डबल इंजन मिलने के बाद जो पूरा जोर है वह अयोध्या पर आकर टिक गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार कह सकते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी काफी उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकला जाए जिससे कि जो सालों से विवाद चला आ रहा है उसका हल निकाला जा सके। और मुख्यमंत्री के यहां दौरा करने से अयोध्या के जो लोग हैं उनकी उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। तो इससे पहले 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने यहां का दौरा किया था, और सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो अयोध्या में रामलला मंदिर जाएंगे। और सीएम के दौरे पर अयोध्या से जी मीडिया संवाददाता अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज अयोध्या के दौरे पर आएंगे तो तकरीबन 8.5 घंटे वो अयोध्या में बिताएंगे। सबसे पहले हनुमान गढ़ी मंदिर जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे हनुमान जी के, और उसके बाद सीधे ये जो राम जन्मभूमि है वहां पर जाएंगे। और आप देख सकते हैं सुरक्षा के क्या खास इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। और हनुमान गढ़ी से राम जन्मभूमि
जो स्थल है उसकी दूरी तकरीबन 500 मीटर है और मुख्यमंत्री कार के जरिए यहां जाएंगे और वहां भी जाकर दर्शन करेंगे। अयोध्या को उम्मीद है, काफी उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या आ रहे हैं। 2002 में जब राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे तब वो मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ आए थे और अब योगी आदित्यनाथ एज अ मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। काफी उम्मीद अयोध्या को है, साधु संतों को है। उन्हें लग रहा है कि शायद कोई फॉर्मूला वो जरूर लेकर आ रहे होंगे जिससे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो रास्ता है वो निकाला जा सके। और आज खास इसलिए भी होगा क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ नित्य गोपाल दास जी के जो जन्मोत्सव कार्यक्रम में जाएंगे वहाँ जो कुछ कहेंगे वो काफी महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन अमर के साथ अनुभव शुक्ला, जी मीडिया, अयोध्या। तो ये अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अयोध्या वासियों की जो उम्मीदें हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और प्रशासन ने भी यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं सीएम के दौरे को देखते हुए। तो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचेंगे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद वहां से वो रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे और उसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों से भी उनका विचार विमर्श का यहाँ कार्यक्रम है। और ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच चुके हैं, साधु संत भी उनके साथ मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लखनऊ से पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी पहुंचने की। इसके बाद वो रामलला राम की पैड़ी और मां सरयू के भी दर्शन करेंगे और उसके बाद संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी उनका मिलने का कार्यक्रम है। तो ये देखिए कितना उत्साह और जो जुनून है वो लोगों में दिख रहा है सीएम योगी की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि उम्मीद यही है कि जो सालों से ये मामला चलता आ रहा है राम मंदिर का, वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद अब लोगों में जग गई है कि कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तरीका जो है जरूर खोज निकालेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जय सियाराम के नारे भी वहां पर सुनाई दे रहे हैं। तो जय सियाराम के नारे भी वहां पर लगते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। ये देखिए अब अंदर की तरफ प्रस्थान करते हुए सीएम का काफिला और उनके साथ साधु संत भी मौजूद हैं। तो साल 1992 में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो कि अयोध्या पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यहां पर गए थे। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद अब उनका काफिला आगे के लिए रवाना होगा, रामलला के वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये देखिए वहां के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह है सीएम योगी की एक झलक पाने के लिए। और कई लोग तो ऐसे भी वहां मौजूद हैं जो कि इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है।
तो हमेशा से ही राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बीजेपी के एजेंडे में रहा है और यही वजह है कि इस पर फोकस लगातार केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हनुमानगढ़ी की तस्वीर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और उसके बाद उनका आगे का कार्यक्रम है जहां की वो रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये देखिए वहां हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उनके साथ संत भी मौजूद हैं। तो भक्ति और आस्था का जो माहौल है वो इस वक्त अयोध्या में नजर आ रहा है। वैसे तो हमेशा से ही यहाँ पर लोग आस्था के चलते खिंचे चले आते हैं, लेकिन सीएम के यहाँ पहुंचने से यहाँ का माहौल जो है और भी अनोखा दिख रहा है। और इस वक्त हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे से जुड़े हुए हैं। अनुभव, इस वक्त हम तस्वीरें वहां की देख रहे हैं, पूरा भक्तिमय माहौल दिख रहा है, जय सिया राम के नारे तक लग रहे हैं योगी के वहां पहुंचने से। जी बिल्कुल, देखिए मंदिर के आसपास का जो माहौल है वहाँ पर जब सीएम आए तो ऐसा माहौल हो गया, तमाम जो लोग जुटे थे जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए थे पूरा जय श्री राम के नारे से पूरा मंदिर परिसर जो है वो गूंज गया। और मुख्यमंत्री फिलहाल हनुमानगढ़ी मंदिर जो है वहाँ अंदर अब मौजूद है, दर्शन कर रहे हैं। जो सांसद है लल्लू सिंह वो भी उनके साथ मौजूद है, तमाम अधिकारी भी मौजूद है, कल समाज के भी लोग मौजूद है, धर्मदास मौजूद है जो पत्रकार है, और अभी भी लगातार इसी तरह की बात यहाँ की जा रही है। खासतौर से जो संत समाज है वो खासा उत्साहित है मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर। देखिए योगी आदित्यनाथ पहले भी अयोध्या आते रहे, तमाम बार वो अयोध्या आए, लेकिन इस बार उनका दौरा सबसे अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन जो छवि उनके पहले की एक पायदान हिंदूवादी नेता की, देखिए जब से मुख्यमंत्री बने थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है। अब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और यही वजह है कि अब अयोध्या के विकास को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसी के चलते आज वो अयोध्या पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुभव हमारे से जुड़ने के लिए।